नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको YouTube चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिसमें हॉरर का परिमेयकरण करना है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, है ना। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यह कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन है। यह जो है कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यह एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव। ये क्वेश्चन है, इसको जब हम हल करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे ना, तो इसको हर का परिमेयकरण, तो ऊपर वालों को अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। ऊपर वालों क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वालों को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव लिख देंगे, फिर यहाँ पर अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट फाइव। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या है कि नीचे का परिमेयकरण करना है, इसको दो बार लिख देना है, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाता है। याद रहे, यहाँ पर माइनस रहे तो प्लस में, और प्लस रहे तो माइनस में चेंज हो जाता है, है ना। अंडर रूट फाइव अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव, है ना। तो क्या होता है कि ये तो सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो इसका क्या करेंगे, वन सॉरी अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बेटा ये एक जैसा है लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, क्या साइन अलग अलग है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम इसको सेट कर देंगे, तो यहाँ पर ए मानेंगे इसको और बी मानेंगे इसको, यानी कि अंडर रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र पर सेट कर दिए माइनस बी पर, और ये होता है स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, सेवन माइनस फाइव हो गया, इस स्क्वायर से इसको काट दिया, यहाँ पर बचा कितना, सेवन माइनस कितना, दो इंटू पैंतीस अंडर रूट पैंतीस। ठीक है, अब प्लस पांच बटा में घटाएंगे तो दो हो जाएगा, तो सात पांच बारह हो गया ना, बारह माइनस टू अंडर रूट पैंतीस बटा दो, इसमें से कॉमन ले लेंगे दो, तो कितना होगा, छ माइनस अंडर रूट पैंतीस के बटा दो, तो कट गया, तो कितना हुआ, छ माइनस अंडर रूट पैंतीस, ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, ये आपका आंसर निकला। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से बनाएंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, सेवन प्लस थ्री अंडर रूट फाइव बाई सेवन माइनस थ्री अंडर रूट फाइव, इसका परिमेयकरण करेंगे हम, तो क्या होगा कि ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, सेवन प्लस थ्री अंडर रूट फाइव, है ना, थ्री अंडर रूट फाइव बटा सेवन प्लस थ्री अंडर रूट फाइव। ठीक है, ये ऊपर प्लस प्लस है तो उसको जेब के तेल लिखेंगे, सेवन प्लस थ्री अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर बटा यहाँ पर सेवन का होल स्क्वायर माइनस थ्री अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब बेटा यहाँ पर सात सौ उनचास घटाओ तीन तीन का नौ गुना पांच, यानी कि इस तो कट जाएगा ना, इससे रूट से स्क्वायर, सात सौ उनचास नीचे ऊपर फिर लिखेंगे, प्लस सात गुना चौदह, चौदह पिया बयालीस रूट फाइव, है ना, प्लस तीन तीन के नौ स्क्वायर से रूट कट गया, पांच हो गया, है ना, बटा इसमें से उनचास घटा नौ पर से पैंतालीस, यानी कि उनचास प्लस बयालीस अंडर रूट फाइव प्लस नौ पर से पैंतालीस बराबर घटाएंगे तो कितना होगा, चार न होगा। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो पाँच चार नौ पाँच चौदह के नौ दस ग्यारह चौदह के चार हाथ में एक है, चार चार आठ एक नौ प्लस बयालीस अंडर रूट फाइव बराबर चार, इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, चार दूनी आठ, सात दूनी चौदह,
प्लस 21 अंडर रूट 5 बराबर 4 कट गया दो बार में, यानी कि आंसर आपका हो गया कितना 47 प्लस 21 अंडर रूट 5 बराबर 2, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीन नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, वह माइनस में प्लस है तो माइनस में, क्योंकि हर का परिमेयकरण करना है ना। फिर यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25, फिर इसी में इससे करेंगे तो कितना होगा माइनस 5 × 3 = 15, फिर इसमें इससे करेंगे तो कितना होगा माइनस 5 × 3 = 15, फिर इसी में इससे करेंगे तो कितना होगा प्लस 3 × 9। चलिए इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, बिना फॉर्मूला पर भी इसको सेट कर सकते हैं, इसको तो फॉर्मूला पर सेट करना ही पड़ेगा, इसको भी मानेंगे तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है ना माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, माइनस 1 √15 हो गया, प्लस इसका वर्गमूल 3 होता है बटा स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 × 3 यानी कि 5 × 3 = 8 माइनस 2 √5 बटा इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4 √5 बराबर 2 कट गया तो कितना होगा 4 √5, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 4 + √5 / 4 − √5। ठीक है, इसका परिमेयकरण करना है तो क्या होगा कि प्लस और माइनस है तो प्लस में लिख देंगे यहाँ है ना, लिख दिया, ये जोड़ में है तो गुणा करेंगे ना, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पर इसको सेट करेंगे इस तरह से कर दिया, नहीं तो सीधा गुना कर दीजिए जैसे इसके पहले हम किए हैं, इसमें इसे कीजिए 16 हो जाएगा प्लस इसमें इससे कर दीजिए कितना होगा 4 √5 हो जाएगा, फिर इसमें इसे कीजिए तो प्लस 4 √5 होगा, फिर इसी में इसे कीजिए तो प्लस अंडर रूट 25 हो जाएगा, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला पड़ जाएगा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 4 × 4 = 8 √5 + 5 बटा चरचौ का 16 स्क्वायर से कम कट जाएगा तो 5 होगा, यानी चरचौ का 16 स्क्वायर से रूट करता है तो 5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 16 और 5 कितना होता है 21 प्लस 8 √5 बटा इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 16 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 11, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्या है, तरीका यही रहेगा है ना, इसी के अनुसार हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे ऐसा आए तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 5 √3 / 5 − √3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो सेम सिस्टम रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा है ना, हो गया। अब इसको लिखेंगे 5, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह से गुणा कर देते हैं 25 हो गया, फिर इसमें इसे करेंगे कितना होगा 5 √3 हो गया, 5 √3 हो गया, फिर इसमें करेंगे तो प्लस 5 √3 हुआ, फिर इसमें इसे करेंगे तो प्लस 3 × 9 हुआ, और ये तो 5 √2 माइनस √3 2 तो कितना होगा 25 + 5 = 10 √3 + 3, इसका वर्गमूल 3 होता है, 5 √3 5 √3 10 √3 हुआ कि नहीं हुआ, 25 यहाँ पर लिख देंगे इसका घटाव स्क्वायर से रूट कटा तो 3 लिख दिया। चलिए 25 × 3 = 28 होता है क्या, 25 × 3 = 28 प्लस 10 √3 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 22 है ना, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14
प्लस 5 अंडर रूट 3 बटा 22, ये कट गया कितना हुआ 11 यानी कि 14 प्लस 5 अंडर रूट 5 बटा 11, ये आपका आंसर निकल गया है ना। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो दोस्तों आप इजी वे में लेकर के हल कर सकते हैं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।